स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की, पत्ती की सामान्य संरचना। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पत्ती है क्या। अगर आप देखें तो तना एवं शाखाओं की पर्व संधि से अग्राभिसारी क्रम में विकसित होने वाले पार्श्वीय असमान उपांग को पत्ती कहते हैं। तना एवं शाखाओं की पर्व संधि से अग्राभिसारी एक्रोपेटल क्रम में विकसित होने वाले पार्श्वीय असमान उपांग को पत्ती कहते हैं। पत्ती सामान्य तौर पर हरे रंग की होती है और प्रकाश संश्लेषी अंग की तरह कार्य करती है। साथ ही यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके अलावा हार्मोन्स, पुष्पन, फलन आदि क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अगर हम पत्ती की संरचना की बात करें, प्रत्येक पत्ती संरचनात्मक रूप से तीन भागों में बटी होती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि पत्ती की संरचनात्मक रूप से कितने भागों में बटी होती, पत्ती की संरचना कैसी होती, तो उस पर हम बात करें तो प्रत्येक पत्ती संरचनात्मक रूप से मुख्य रूप से तीन भागों में बटी होती है। सबसे पहला इसका पहला जो भाग है वो लीफ बेस कहलाता है, दूसरा भाग इसका पर्णव्रत, जबकि तीसरा भाग जो है वह भाग पर्ण फलक कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करें लीफ बेस की। देखिए, पौधे की तने एवं शाखाओं से पत्ती जिस भाग के द्वारा जुड़ी होती है उसे लीफ बेस कहा जाता है, पर्णाधार कहा जाता है। टेक्निकल टर्म में इसे हाइपोपोडियम कहा जाता है। इस हाइपोपोडियम से कुछ आउटग्रोथ्स निकलती है और इन आउटग्रोथ को स्टिप्यूल्स कहते हैं, अनुपर्ण कहा जाता है। जिन पौधों में ये पाया जाता है उन्हें स्टिपुलेट कहा जाता है, जबकि जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें एक्स स्टिपुलेट कहा जाता है। जिनमें पाया जाता है उन्हें अनुपर्णी और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें अनुपर्णी कहा जाता है। पत्ती का जो दूसरा भाग होता है वह लीफ बेस और लीफ लेमिना के बीच का होता है और यह भाग पर्णव्रत कहलाता है, या इसे टेक्निकल टर्म में हम इसे मिजोपोडियम कहते हैं। यह पत्ती को ऊपर की ओर उठाए हुए रखता है। कई पत्तियों में ये उपस्थित होता है, कई पत्तियों में अनुपस्थित होता है। जिन पत्तियों में उपस्थित होता है उसे पेटियोलेट कहते हैं, जबकि जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें सेसाइल कहते हैं। पत्ती के तीसरे भाग की अगर हम बात करें तो डार्सोवेंट्रली फ्लैट भाग होता है और ये डार्सोवेंट्रली फ्लैट भाग इसका लेमिना या टेक्निकल टर्म में एपिपोडियम कहलाता है। लेमिना का जो सबसे बाहरी वाला जो सिरा होता है, इस बाहरी वाले भाग को हम लीफ मार्जिन कहते हैं, जबकि इसका शीर्ष भाग जो है लीफ एपिक्स कहलाता है। लेमिना के बीचों बीच में पेटियोल क्रमशः पतले होते हुए चले जाता है और यह भाग इसका मिडरिप कहलाता है, मध्य सिरा कहलाता है। और मध्य सिरा से अनेक पतली पतली शाखाएं निकलती है और इन शाखाओं को वेंस कहा जाता है, और वेंस से भी पतली पतली शाखाएं निकलती है जो पत्ती में जाल का निर्माण करती है और इन शाखाओं को वेनलेट कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, हाइपोपोडियम, मिजोपोडियम और एपिपोडियम। उम्मीद करूंगा कि यह स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।